फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। टेक्नो डिजिटल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको पतंग बनाना सिखाऊंगा। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बताया था, मैंने इस पतंग को उड़ाया था, बना के उड़ाया था। अगर आप आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ज़रा इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा एक पेपर ले लेना है और फिर उसे बीच में से मोड़ लेना है। तो ऐसे बीच में से मोड़ कर आपको जो है इसको लगभग इधर इस पॉइंट पर ये चिपका देना है। तो ग्लू की बॉटल से इसे देता हूँ चिपका। और फिर इधर ये चिपका देते हैं। इधर भी इसको देता हूँ चिपका की बॉटल बीच में आ रही है। इसको इधर चिपका दिया और फिर इसको इन दोनों को फुला लिए। इधर की ओर मुझे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ग्लू डाल देना है और इसे चिपका देना है। और फिर मुझे इस पॉइंट पर इसे लगाना है, ये रोप है, मुझे इस पॉइंट पर लगाना है। तो इसके लिए मैं लूँगा कैंची, इधर से थोड़ा सा एक कट लगा दूँगा और फिर रस्सी को इसमें से कट किधर गया। तो आपको कट जो है उसे खोल लेना है, जैसे कि इस तरह से खोल लीजिए और फिर रस्सी के एक छोर को इसमें घुसा दीजिए। और फिर घुसाने के बाद दूसरी तरफ से इसे निकाल लिए और फिर गांठ बांध दीजिए। तो ये होल काफ़ी बड़ा है तो इस तरह की गांठ से तो लगने वाला है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर सैंड पेपर का एक टुकड़ा इस्तेमाल करूँगा। आप कोई भी टुकड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पेपर का ही क्यों ना हो, वो टुकड़ा भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको गांठ बांध देते हैं और मजबूती के लिए मैं यहाँ पर स्टेपलर्स भी लगाने वाला हूँ। तो इसको लगा दिया। तो मैं ले आया हूँ स्टेपलर, इसको इसमें जो है आप लगा देते हैं। ये मजबूत है तो ये इसमें फंस गया। तो फिर अब जरा ऐसे लंबा रहते हैं तो ये उलझ रहा है। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप इसे किसी रोलर में या फिर पेन, खाली पेन में इसे लपेट ले, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने इसको खोल लिया है, तो बाहर हवा चल रही है कि नहीं वो देखते हैं और इसे टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो चलो चलते हैं बाहर की ओर। बहुत तेज़ी से चल रही है तो अब उसे ये तोड़ने नहीं लगे। ये मेरे हाथ से फिसल गया। अभी लगता है मुझे इसको मोबाइल के साथ इसे पकड़ने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, ट्राईपोड ले। तो मैंने इसे ट्राईपोड में लगा दिया और अब इसको उड़ा दे।
वीडियो देखा तो मैंने देखा कि आपको तो पतंग दिखी ही नहीं, इसीलिए मैंने दोबारा ये वीडियो बनाई। तो इसको बनाना मैंने नहीं सिखाया, वैसे इसको उड़ा के भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता था इंटरटेनमेंट। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, मेरा ट्राइपॉड बाहर बाहर गिरा जा रहा है। तो यार ट्राइपॉड को सेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये कहाँ जा रही है। तो फिर अब शायद दिखे आपको, तो यार अब मैं ट्राइपॉड घुमा रहा हूँ। तो मैं इसे ट्राइपॉड में से निकाल लूँ। तो कितना ऊंचाई तक ये जा रही है, इसमें कैमरा याद आ गया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कर दीजिए ऑन ताकि मेरी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब ये तो उड़ी गई, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, रस्सी छूट गई तो पतंग कट।